नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐलान किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और इसके साथ ही यूपी की कुछ खास खबरें हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। पेंशन योजना को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आ गई है। वहीं पर साइकिल का पैसा आज खाते में भेजेगी सरकार, इसके बारे में भी जानेंगे। लोन लेने वालों के लिए आरबीआई का तोहफा है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत आने वाले सितंबर महीने में महंगी होगी या सस्ती, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर जेलर फिल्म देखने पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। आपको बता दें लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत शुक्रवार शाम को लखनऊ पहुंच चुके थे और शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की, साथ में फिल्म जेलर देखा है। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारत की फिल्मों को प्रमोट करने की शूटिंग को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। लखनऊ पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए रजनीकांत ने कहा, हाँ मैं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने वाला हूँ। जब उनसे पूछा गया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, तो उन्होंने कहा कि बस भगवान की कृपा है। वही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति, क्या होगी बात, जरा इसको जानिए। दक्षिण अफ्रीका में 21 से 24 अगस्त के बीच ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वही दक्षिण अफ्रीका के बाद ग्रीस जाएंगे पीएम मोदी, 40 साल में पहली बार होगी ये यात्रा, जानिए क्या पूरा कार्यक्रम है। दरअसल आखिरी बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एथेंस की राजनयिक यात्रा की थी। वही मंत्री बोले, दिव्यांगों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की चल रही है तैयारी, यानी अगर आप दिव्यांग पेंशन पाते हैं उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको 1000 के बजाय 1500 रुपए मिलेगा। लेकिन अभी तक सरकार इसकी तैयारी कर रही है और आने वाले अक्टूबर महीने में इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी है। तो ऐसे में अगर आप दिव्यांग पेंशन पाते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, 1000 के बजाय 1500 रुपए आपको मिलेगा। तो छात्रों को साइकिल का पैसा आज भेजेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, इतने विद्यार्थियों को बैंक खातों में डालेंगे पैसा। मुख्यमंत्री शिवराज ने 81,12,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन की भूमि पूजन किया है और साथ ही छात्रों के खाते में पैसा भेजा है जिससे वो साइकिल खरीद सके। किस कक्षा के छात्रों को मिलेगी साइकिल का पैसा, आप इसको जान लीजिए। और इसी अवसर पर वो साइकिल खरीदने के लिए छात्र छात्राओं के बैंक खाते में 207 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक में अंतरण भी किया है। साइकिल खरीदने के लिए इस साल प्रदेश के 4,60,000 छात्र छात्राओं को यह राशि दी जा रही है। सो दोस्तों, लोन लेने वालों के लिए आरबीआई का तोहफा है, ईएमआई बाउंस हुई तो बैंक नहीं वसूलेगा ब्याज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और एबीएफसी को ईएमआई बाउंस हो जाने पर उन पर फाइन लगाने की आजादी तो दी है, लेकिन फाइन पर ब्याज लगाने के नियम को खत्म कर दिया है। तो आने वाले सितंबर महीने में आपको गैस सिलेंडर मिल सकता है महंगा, क्योंकि आपको बता दें अगस्त महीने में तो गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट इसी बात को बता रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो सितंबर महीने का गैस सिलेंडर अभी ही बुक कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गैस सिलेंडर पर मिली है बड़ी खुशखबरी अगस्त महीने में, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 36 रुपए तक सस्ता हो गया था। और आपको बता दें राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1976 रुपए में मिल रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सितंबर महीने में इसमें महंगाई आ सकती है। हालांकि आपको बता दें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सितंबर में भी सस्ता होगा, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के रेट कई महीनों से बढ़ाए नहीं गए हैं और ना उसके दाम घटे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि आने वाले त्योहार में इसकी डिमांड बढ़ गई है, इस वजह से घरेलू गैस सिलेंडर महंगा होगा। वही काम की खबर है, मुफ्त राशन 23 अगस्त तक मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सितंबर महीने का राशन। आपको बता दें मुफ्त राशन आपको 23 तारीख तक मिलेगा, ऐसे में आपके पास बस 3 से 4 दिन है, जाके अपना राशन आप ले लीजिए, वरना आपको नहीं मिलेगा। पात्रवृत्ति कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें सिर्फ 2 किलो गेहूं 1 यूनिट पर और 3 किलो चावल दिया जा रहा है। आपको बता दें सरकार इसमें बड़ा बदलाव भी कर सकती है, जिसमें चावल को अब कम कर सकती है और गेहूं को बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में राशन कार्ड धारकों को एक और मिलेगा, वो मिलेगा अंत्योदय कार्ड धारकों को, जिसमें वो अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं, जिसमें 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा और इसके साथ ही उनको 3 किलो चीनी भी एक्स्ट्रा दी जाएगी।
सो दोस्तों चलिए जान लेते हैं वेदर के बारे में, क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। किन जिलों में भारी बारिश होगी इसको भी जानेंगे। आपको बता दें दोस्तों, उमस से मिल सकती है आपको राहत, क्योंकि 24 अगस्त तक लगातार बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी और उमस बढ़ गई है और हवा भी काफी कम चल रही है, लेकिन 24 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस बीच कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में 19 अगस्त से ही ये अलर्ट बना हुआ है। जिन जिलों में बिजली गिरने और मेघ गर्जन की समस्या की ज्यादा उम्मीद है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र शामिल है। इसके साथ ही मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में भी बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। तो जरा इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि अब सख्त हो जाएगी पहरेदारी। रात 10 बजे के बाद बाजार में मिले तो होगी तुरंत गिरफ्तारी। प्रभारी निरीक्षक ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाकर पुलिस का सहयोग करें। एक कैमरा सड़क की तरफ रखें और इससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। लेकिन आपको बता दें, गौरीगंज को लेकर एक बड़ी खबर आई है जागरण न्यूज पर, जिसमें लिखा है शहर में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कोतवाली पुलिस ने पहरेदारी सख्त कर दी है। आपको बता दें, अब अनावश्यक रूप से बाजार में खड़े मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कहा है कि शहर में रात 10 बजे के बाद अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी के सड़क पर दिखाई देता है तो उसे तत्काल पकड़कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि रात 10 बजे के बाद शहर में दुकान खुली तो मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एशिया कप का जो टिकट है वो बिकना शुरू हो गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच होगा, तो अगर आप भी इसका टिकट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अब ये अवेलेबल है। एशिया कप 2023 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। 30 अगस्त से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। भारत और पाकिस्तान 2 सितंबर को आमने सामने होंगे। ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल पीसीबी ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। बुधवार देर रात पीसीबी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। गौरतलब है कि एशिया कप 2023 में भारत अपने मैच हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप के मैच का टिकट pcb.bookme.pk पर आप खरीद सकते हैं। तो बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश में बाजार में सड़क पर फेंका गया है मांस। कांवड़ यात्रा की अनुमति ना मिलने पर दुकानें बंद हुई हैं। वही यूपी में अब FIR से पहले होगी जांच। सीएम योगी ने इन लोगों को दी है बड़ी राहत। DGP ने जारी किया है आदेश। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े समूह को बड़ी राहत दी है। पुलिस पर एक तरह से नकेल कसते हुए FIR से पहले जांच का आदेश दिया है। DGP मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। तो यूपी में निगेटिव न्यूज की जांच करेगी योगी सरकार। खबर गलत निकली तो DM मांगेंगे जवाब। यूपी में योगी सरकार निगेटिव न्यूज की जांच करेगी। खबर गलत निकलने पर जिलाधिकारी जवाब मांगेंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार की छवि खराब करने वाले नकारात्मक खबरों की जांच के लिए निर्देश दिया है। मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले नकारात्मक खबरों की जांच करने और मॉनिटरिंग के लिए इसका विवरण ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर अपलोड करने को कहा है। वहीं योगी सरकार के निर्देश है अधिकारियों, कर्मचारी दे संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो रुकेगा प्रमोशन। ये है आखिरी तारीख। यूपी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों की पदोन्नति रोकने का फैसला किया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा, वरना इनका प्रमोशन नहीं होगा। यानी अगर आप एक अधिकारी है और आप सोच रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, तो सबसे पहले अपना चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो चाहे कोई भी हो, हेट स्पीच से कानून के मुताबिक निपटेंगे। हिंदुओं की मौत के नारे पर बोला है सुप्रीम कोर्ट। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने विभिन्न राज्यों में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के निर्देश संबंधी याचिकाओं पर एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। वही बौखला गई है स्मृति ईरानी। अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। लगातार ये बयान जारी हो रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसमें अजय राय का एक बयान आया है। ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि बौखला गई है स्मृति ईरानी, अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। तो यूपी के गांवों में बिजली बिल जमा करना हुआ आसान। एजेंसियों को सौंपी गई है ये जिम्मेदारी। यूपी के गांवों में बिजली बिल जमा करना आसान हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस काम में एजेंसियों को लगाया जाएगा। आपको बता दें, बहुत सारे लोग तो गांवों में बिजली बिल भी जमा नहीं करते हैं। अगर कोई बिजली बिल चेक करने आता भी है तो उसको लाठी डंडों से भगा देते हैं। फिलहाल अब सरकार ने एक नई तरकीब खोजी है, जिसमें बिजली बिल जमा करना हो जाएगा आसान। एजेंसियों को सौंपी गई है ये जिम्मेदारी, जिसमें ऑनलाइन जमा होगा बिजली बिल। वही पीएम आवास योजना के लिए योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत। भुगतान में अहम बदलाव हुआ है, अब जल्दी आएगा खाते में पैसा। यूपी की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पात्रों को बड़ी राहत दी है। अब उनके खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया सरलीकरण कर जिले के स्थान पर मुख्यालय स्तर से भेजने का फैसला किया है। यूपी की योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में अब ये लाभ देगी। अगर आपका पैसा अटक जाता था और काफी समय से नहीं मिलता था, तो अब जल्दी मिलेगा। लाभार्थियों को समय से पैसा नहीं मिल पाता था। इतना ही नहीं, मकान न बनाने और धोखाधड़ी कर पैसा लेने वालों से भी इसे वापस लिया जाएगा।
तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।